स्वागत है। टाइटल है आई फाउंड 19 हिडन डिटेल्स इन कल की 2898 AD ग्लिम्प्स प्रोजेक्ट के। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर को फॉलो करें, इनके चैनल को उसके हमारे लोई चैनल के लिंक उसका लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। प्रवास जब अपने हैंड से एक मशीन जैसा कुछ चला रहा होता है तो तुमने शायद इसमें नोटिस किया होगा कि वो कुछ एक्टिवेट कर रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, अगर तुम इसमें गौर दोगे तो वो एक्टिवेट हो रहा है और उसके नीचे भी लिखा हुआ है एक्टिवेटेड। अब मेरे अंदाजे से इसमें दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये सुदर्शन चक्र है जो विष्णु भगवान का वेपन था, और जैसा हमें पता है प्रोजेक्ट के मतलब प्रोजेक्ट कल की होने वाला है, और तुम्हें मैं बता दूं कल की मतलब विष्णु जी का 10वां अवतार कलयुग में। तो या तो ये सुदर्शन चक्र हो सकता है या फिर ये टाइम मशीन से रिलेटेड हो सकता है, और ये टाइम मशीन से रिलेटेड कैसे हो सकता है वो मैं तुम्हें आगे इस वीडियो में बता दूंगा। डिटेल नंबर टू, तो ये प्रोजेक्ट के का जो ग्लिम्स है इसकी स्टार्टिंग में तुमने शायद ही नोटिस किया होगा, यहाँ पर एक साइन बना हुआ है। अब कुछ लोगों का मानना है ये साइन व्हाइट लोटस सोसाइटी का है जो कि मोर्टल कॉम्बैट गेमिंग के अंदर था, पर मुझे पर्सनली ये लगता है कि ये वो चीज नहीं है। ये शायद रेफरेंस हो सकता है प्ले का। मतलब जब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो एक प्ले का साइन आता है जो कि तुम इसमें नोटिस भी कर सकते हो, और ये बिल्कुल स्टार्टिंग में वही दिया हुआ है। जिसको हम प्ले के हिसाब से देखें तो इसको प्ले करेंगे तो इसमें देखो सोल्जर्स आगे आते हुए दिखाई देते हैं जो कि सोल्जर्स हैं विलन वाली साइड से। फिर इसके बाद तुम इस बाबा के हेड पर एक अटैक नोटिस कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा लगता है इसमें गोली लगी हुई है, पर ये गोली का साइन नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हमने देखा था कि इनके पास कोई बंदूक नहीं है, पर हाँ एक एडवांस टेक्नोलॉजी का एक वेपन है कोई, तो ये अटैक उसी वेपन से किया होगा। इसके जस्ट आगे ही फ्रेम में हम बच्चों को रोता हुआ देख सकते हैं जो कि शायद उस बाबा से कनेक्टेड होंगे, या तो ये उन्हीं के बच्चे होंगे। वैसे मुझे ये लगता है ये दीपिका पादुकोण और प्रवास है, जिनके बचपन में ऐसा एक भयंकर अटैक हुआ होगा जिसके बाद वो फाइनली जब बड़े हुए होंगे तो उन्होंने एक आर्मी बनाई होगी और उन्होंने अपने वेपन्स बनाए होंगे उस विलन से लड़ने के लिए। इस सब के बाद हम कुछ बच्चों को किडनैप होते हुए देख सकते हैं। जहाँ पर तुम नोटिस करोगे तो ये सारी की सारी लड़कियां हैं, ये किडनैप हुई हैं। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे तुम रेड लाइट नोटिस कर सकते हो, और रेड लाइट इस मूवी में पूरा का पूरा रेफरेंस है एविल साइड, मतलब इस मूवी के विलन का। फिर इसके बाद एक फ्रेम में हम देखते हैं कि एक बच्चे को पानी पिलाया जा रहा होता है, लेकिन इधर पानी नहीं आता इस गड्ढे में से। तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये कलयुग के चरम सीमा का एकदम पीक पॉइंट है। जैसा हमें पता है कि कलयुग के एंड में ना ही कोई नेचुरल रिसोर्सेज बचेगा जैसे कि पानी, पेड़ या फिर कुछ भी, तो ये उसी का रेफरेंस है कि कलयुग अपनी चरम सीमा पे पहुंच चुका है जहां पर इंसानों को पानी तक नसीब नहीं हो रहा है। फिर एक सीन में हम इस जगह को नोटिस कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो गन है ये वही गन है जिसकी मैं बता रहा था कि बिल्कुल एडवांस गन, जिसमें ना कोई बैरल है ना कोई गोली है। बाकी तुम इसके पीछे नोटिस कर सकते हो पूरा का पूरा सूखा पड़ा हुआ है, जैसा मैंने बताया कि कलयुग में बिल्कुल भी पानी तक नहीं बचेगा। उसके बाद तुम इस सीन में नोटिस कर सकते हो यहाँ पर एक आदमी को बांधा हुआ है और उसके अंदर डाला जा रहा है किसी चीज के, जो कि शायद मुझे लगता है इसकी बलि दी जा रही है, क्योंकि इसके अंदर नोटिस कर सकते हो बोला लाले पूरा ठेला। इसके अंदर नोटिस कर सकते हो यहाँ पे एक रेड लाइट है और इसका जो एरिया है अंदर वाला वो ऐसा ही लग रहा है इसके अंदर ये मार दिया जाएगा। और जैसा हमें पता है एविल साइड जो होती है उसमें बलि का कितना बड़ा रोल होता है। जिसके बाद इस फ्रेम में तुम नोटिस कर सकते हो यहाँ पर कुछ लड़कियां खड़ी हैं। तो तुम्हें याद है डिटेल नंबर 4 में मैंने बताया था कि कुछ लड़कियों को किडनैप किया गया है बचपन में, तो ये सारी शायद वही लड़कियां हैं, और इसमें दीपिका पादुकोण भी है। अब यहाँ पर दीपिका पादुकोण या तो बचपन में ही किडनैप हुई होगी या फिर ये एक एजेंट बन के आई है इन सबके बीच में ताकि ये इन सबको बचा सके। उसके बाद इस सीन में शायद ही तुमने नोटिस किया होगा जहाँ पर ये रोबोट तारा होता है, तो तुम यहाँ पर इन सारी मूर्तियों को नोटिस कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात इसके बीच में शिवलिंग रखा हुआ है जो कि हमें क्लियर क्लियर रेफरेंस दे रहा है कि ये मूवी काफी ज्यादा एडवांस और हमारी हिंदू माइथोलॉजी के ऊपर होने वाली है। उसके जस्ट बाद यहाँ पर तुम नोटिस कर सकते हो कि ये दिया बुझ जाता है जो कि सीधा सीधा रेफरेंस है डार्कनेस का, क्योंकि इस वीडियो में हमने लिखा हुआ देखा भी था व्हेन द वर्ल्ड इज डार्क, मतलब ये पूरी की पूरी मूवी डार्कनेस के ऊपर होने वाली है। और जैसा हमें पता है कलयुग में कितना ज्यादा पाप बढ़ जाएगा। उसके बाद इस फ्रेम में यहाँ पर अमिताभ बच्चन को तुम एज अ अश्वत्थामा नोटिस कर सकते हो। अगर मैं तुम्हें अश्वत्थामा का बताऊं तो महाभारत के अंदर अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के बेटे थे जिनके सर पर एक मणि थी। वहीं श्री कृष्ण ने उनकी मणि निकालकर उनको एक शराब दिया था कि तुम कलयुग के अंत तक अमर रहोगे इसी मणि के घाव के साथ। जिसके बाद अश्वत्थामा कहीं कलयुग में आकर छिप गए थे ताकि उन्हें कोई ढूंढ ना पाए। तो इस सीन में यहाँ पर तुम नोटिस कर सकते हो कि अश्वत्थामा छिपे हुए हैं जिनको शायद वो रोबोट ढूंढने भी आया था। अब ये छिपे हुए हैं मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम इनके आसपास जाले नोटिस कर सकते हो। बाकी ये अश्वत्थामा ही है, ये तुम इनके हेड पर इस चीज से नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पर रेड रेड हुआ पड़ा है, जो कि सीधा सीधा रेफरेंस है जो मड़ी निकाली थी श्री कृष्ण ही उसी का घाव है। इस डिटेल के लिए 1 लाख तो बनता है। फिर कुछ फ्रेम्स आगे इस हाथ में तुम छोटी सी मूर्ति को नोटिस कर सकते हो जो कि मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ तुम बिल्कुल भूल चुके होगे ये क्या चीज है। तो ये विष्णु जी के 10वें अवतार कल्कि जी की मूर्ति जो कि कलयुग में पैदा होंगे। उसके बाद एक सीन में यहाँ पर एक शूज में तुम यहाँ पर थ्रस्ट नोटिस कर सकते हो जो कि शायद प्रवास ने पहन रखे होंगे क्योंकि इन्हीं की मदद से प्रवास उड़ सकता है, क्योंकि इसके जस्ट नेक्स्ट फ्रेम में ही प्रवास ने यहाँ पर एंट्री की है सुपर हीरो वाली उड़ के, क्योंकि इसके जो
खड़े होने का जो पॉस्चर है वो बिल्कुल बिल्कुल मैच कर रहा है बिल्कुल सुपर हीरो वाली लैंडिंग से। इसके बाद इस फ्रेम में तुम नोटिस कर सकते हो यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं, प्रवास किसी के आगे खड़ा हुआ है जो कि मोस्ट प्रोबेबली इस मूवी का विलन होगा, मतलब कमल हसन सर। फिर कुछ फ्रेम्स आगे यहाँ पर तुम एक हाथ गिरता हुआ नोटिस कर सकते हो जो कि मैं तुम्हें बता दूं वो एक मूर्ति का आता है, वही मूर्ति जो इसके साइड में खड़ी हुई है बड़ी सी। इसके बाद तुम यहाँ पर कुछ लोगों को नोटिस कर सकते हो जो कि अच्छे लोग हैं क्योंकि इनके हाथ में एक शील्ड है जिसपे ब्लू कलर है, और जैसा हमें पता है इस मूवी के अंदर ब्लू कलर अच्छे लोगों के लिए दिखाया गया है और रेड कलर विलन्स के लिए। फिर फाइनली हमें फाइनल बैटल जैसा कुछ दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पर तुम नोटिस कर सकते हो एक साइड से रेड अटैक हो रहा है और एक साइड से ब्लू अटैक हो रहा है, मतलब गुड वर्सेस इविल। इसके बाद डिटेल नंबर 18 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये आदमी कहता है व्हाट इज प्रोजेक्ट के, व्हाट इज प्रोजेक्ट के, जो कि क्लियर रेफरेंस हो सकता है टाइम मशीन का, मतलब कुछ लोग प्रोजेक्ट के मतलब प्रोजेक्ट कल्कि पर काम कर रहे होंगे जिसमें वो एक ऐसी टाइम मशीन बना रहे होंगे जो उन्हें फ्यूचर में ले जाए कल्कि के पास। इसीलिए तो हमें टीजर के लास्ट में 2898 से 2024 में दिखाया गया, मतलब 2024 में एक टाइम मशीन बनेगी जो उन्हें 2898 में ले जाएगी। फिर इसके बाद प्रोजेक्ट कल्कि का जो पोस्टर था उसका हमें एक सीन दिखाई दिया जिसमें हमें अश्वत्थामा और कल्कि का कोलैब दिखा, मतलब जो उनका पंच वाला सीन था वो दिखा। अब वो उनकी फाइट होगी या फिर उनकी दोस्ती होगी ये तो हमें मूवी देखने पर ही पता लगेगा। बाकी सच बता रहा हूँ इसका जो ग्लिम्स देखकर मुझे काफी अच्छा लगा और काफी मोटिवेटेड लगा कि हाँ इंडिया कुछ ना कुछ कर रहा है काफी बड़े लेवल पर। वैसे अभी ओपन हैमर मूवी भी रिलीज हुई थी जिसमें मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन तुम कमेंट में जरूर बताना कि प्रोजेक्ट के या फिर ओपन हैमर दोनों में से किसकी ज्यादा हाइप है अभी इस वक्त इंडिया में। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो एक लाइक जरूर देना और कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हें क्या लगता है सबसे ज्यादा किसकी हाइप है। और हाँ, ऐसी हिडन डिटेल्स और थ्योरीज वाली वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। तब तक के लिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, टाटा बाय बाय। मेरे प्यारे मित्रगणों, अगर तुम्हें ओपन हैमर की एक्सप्लेनेशन वीडियो देखनी है तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें, और अगर तुम्हें ओ माय गॉड 2 के ट्रेलर की हिडन डिटेल्स पर वीडियो देखनी है तो राइट वाली वीडियो को क्लिक करें। धन्यवाद। भाई जब भी हम एक मूवी का ट्रेलर या टीजर देखते हैं या मूवी देखते हैं तो भाई इतनी ज्यादा डीप एनालिसिस जो है ना, मेरा ख्याल बहुत कम लोग जो है वो करते होंगे। लिटरली इस एक 6 मिनट के क्लिप में जितनी भी हमने डिटेल देखी है ना, वो काफी ज्यादा शॉकिंग थी मेरे लिए और काफी इंटरेस्टिंग भी थी, और मुझे बहुत अच्छी वीडियो इस तरह से लगी कि हम लोगों को सनातन धर्म की जो हिस्ट्री है उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स जो हैं वो यूज किए गए हैं उसके बारे में इसमें काफी डीपली पता चला है। इनफैक्ट कल्कि के बारे में, मतलब कि क्या होगा उस टाइम पर, जैसे उन्होंने बताया कि कल्कि के टाइम में जो हर इंसान इतना सेल्फिश हो जाएगा और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो खत्म हो जाएगा। वैसे मुझे नहीं पता था कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कल्कि के टाइम तक खत्म हो। यार ये तो ये मुझे भी नहीं था पता, लेकिन मैं भी ये वीडियो देखता हुआ सोच रहा था जब वो टाइम आएगा जब बिल्कुल पीक होगा इस युग का, तो भाई वो उससे खैर शुक्र है हम उस टाइम में नहीं होंगे, लेकिन जो लोग होंगे उनके लिए वो कितना मुश्किल टाइम होगा। मतलब हमें अभी लोग बहुत सेल्फिश लगते हैं या बहुत लगता है कि बहुत खराब लोग होते जा रहे हैं, लेकिन उस टाइम पर लोग मजीद एक वो पीक टाइम पे चले जाएगा। खैर एनीवे बात करते हैं फैक्ट्स के बारे में। जैसे सबसे पहले सुदर्शन चक्र के बारे में बात किया गया, तो वाकई में वो मतलब चाहे वो टाइम मशीन कह लो या आपको टाइम ट्रैवल बोलो, लेकिन वो लगता इसी तरीके से जैसे सुदर्शन चक्र की तरह बनाया है। और उसके साथ साथ जो है ना वो नीचे एक्टिवेटेड भी जो है वो लिखा हुआ था, तो यानी कि अगर देखा जाए तो वो मुझे लगता है सीन बाद में कहीं मूवी के बीच में होगा जहां पर जो है ना मेरा ख्याल है जो कल्कि अवतार जो होगा वो वहां पर जो है आ जाएगा। अच्छा मैं ना एक और चीज को लेकर भी देखो कंफ्यूजन की, देखो ये कल्कि अवतार से इंस्पायर्ड मूवी बनाई गई है, मतलब कि जो जो वो चीजें वहां से और एक मॉडर्न वर्जन के साथ, मुझे लगता है कि इस तरह से जो है वो बनाई गई। यानी कि हम देखते हैं ना कि भाई फ्यूचरिस्टिक जो चीजें होती हैं कि आने वाले टाइम में जो है चीजें बहुत ज्यादा चेंज जो है हो जाएगी। जैसे अभी की अगर हम बात करें हमें कोई गाड़ी जो है इस तरह की देखने को मिलती है जो कि एक बहुत डिफरेंट टाइप की उसकी शेप हो, तो हम कहते हैं भाई ये फ्यूचरिस्टिक जो है वो है। तो अगर देखा जाए तो मूवी को भी जो है ना कुछ इस तरह बनाया जा रहा है कि आपको जो है ना आज से 700-800 साल बाद की दुनिया जिस तरह नजर आएगी तो वो उस तरह का जो है आपको दिखाया गया है, मतलब इंस्पायर्ड वहां से है जो करेक्टर्स हैं या स्टोरी है, मुझे लग रहा है कि वहां से, क्योंकि जैसे बीच में बताया गया जो गन्स का इस्तेमाल जो होता है वो वाकई में बहुत डिफरेंट। फिर मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगी कि रेड और ब्लू लाइट का जो उन्होंने एनालिसिस किया कि रेड लाइट जो है वो डेफिनेटली वो डार्क और इविल साइड को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो ब्लू लाइट है वो रिप्रेजेंट करेगी कि जो अच्छे लोग हैं उन दोनों के बीच में जो एक तरह से आपके लिए वॉर देखने को मिलेगी, और जिस तरीके से उन्होंने बीच में बलि का जो एक बताया गया कि, और नेगेटिव साइड पर जब आप देखो तो आपको बलि की एक अभी भी प्रथा एक नजर आती है कि लोग बलि देते हैं। बिल्कुल, तो ये सारी चीजें जो है ना ये एनालिसिस बड़ा अच्छा, और जहाँ पे बलि के साथ
था बीच में जो है ना दीपिका पादुकोण का वहाँ पर एक जो है वो लुक हाँ। दिखाया गया, तो वहाँ पे मुझे वो लग रहा है कि वो जो है ना कोई एजेंट या कुछ और होगी, क्योंकि क्योंकि उसकी एक रीजन और है कि वहाँ पे इर्द गिर्द खड़ी हुई बाकी जो लड़की है ना उनके कॉन्फिडेंस लेवल में और उनका जो है ना डिफरेंस है एग्जैक्टली, वो ऐसे लग रहा है कि वो उस सिचुएशन से ना भाप रही है, उस सिचुएशन से मुझे लग रहा है कि काफी इमोशनल सीन्स भी हम लोगों को मतलब हिट करेंगे इसमें। इसमें तो कोई शक नहीं भाई, देखें जब क्योंकि दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है ना और भी बहुत सारी है, लेकिन पानी एक ऐसी चीज है जिसके लिए कहा जाता है कि भाई लोग जो है उसके बगैर लोग बच नहीं सकते। आने वाले टाइम में पानी के लिए आपको जो है बहुत सारे मुल्क जो है वो आपस में लड़ते हुए देखने को मिलेंगे, तो ये हकीकत है पानी को लेकर। और जो शिवलिंग वाला था बीच में वो भी वाकई में आपको नजर आता है। अच्छा बीच में अश्वत्थामा की जो बात की जाए वो मतलब मैं जब हम लोगों ने ग्लिम्स देखे थे ना तो मैं हैरान थी कि मतलब जो अमिताभ बच्चन सर हैं हाँ मतलब उनको ऐसा क्यों दिखाया गया है। सो अब आपको वाकई में कहीं ना कहीं पर जो सिमिलैरिटीज है और जो कनेक्शन है वो नजर आ रहा है भाई, वो फिर बात ये आ जाती है कि एक तो नॉलेज का होना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, दूसरा जो है ना आप कितना डीप एनालिसिस करते हो उस चीज को। अगर हम बात करें तो ट्रेलर में तो हमने सॉरी जब इसका फर्स्ट ग्लिम्स हमने देखा था उसमें तो हमें बहुत सारी चीजों का जो है बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। इट्स जस्ट कि हम लोगों को जितना नॉलेज था हम उसके मुताबिक बात करते, बट हाँ मैं ये जरूर बोलूंगी कि मैंने कभी कल्कि अवतार की मूर्ति नहीं देखी थी तो इसलिए मैं उसको भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए थे। हमने वो फर्स्ट टाइम देखी थी लेकिन आज जो है इस वीडियो में पता चला कि वो मूर्ति जो थी वो कल्कि अवतार की थी। हालांकि मुझे ये लगता है कि मतलब जो मूवी है वो इस तरह से बनाई गई है कि 2024 में बैठकर आप देखेंगे कि कल्कि का जो टाइम है वो किस तरह से हो, एक तरह से हम टाइम ट्रेवल ही कर रहे हैं ना। क्योंकि अगर देखा जाए ना तो बीच में एक पॉइंट ऐसा भी जो है वो देखने को मिले जहाँ पे टाइम ट्रेवल आपको देखने को जो है वो मिल रहा है, ठीक है, तो वो हो सकता है कि आपको जो है ये चीज देखने को मिले। 2024 में बैठकर आप देख रहे हैं कि अगर 800 साल बाद जो चीजें होंगी तो वो कैसी होंगी, सो मुझे ये लग रहा है। बाकी आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको जो जितनी भी आपने ग्लिम्स देखी है उनमें आपने क्या एनालिसिस किया, क्या डिटेल्स आपको लगती है, जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा कॉमेंट सेक्शन में। लाइक सब्सक्राइब शेयर गुड बाय।